ओम नमो भगवते देवराहाय। ओम नमो भगवते देवराहाय। ओम नमो भगवते स्वामी सद्गुरुदेव। बाबा की लीलाओं का वर्णन। लीला भगवान की और गुरु महाराज जी की लीला, अद्भुत लीलाएं होती हैं इनकी। संत महात्मा बाबा हमेशा चमत्कार से दूर रहते थे। बाबा ने कभी भी चमत्कार को प्रोत्साहित नहीं किया। बाबा ने हमेशा हम जो बच्चे उनके सेवा में रहते थे, हमें भी सख्त आदेश दिया, बच्चा साधु को चमत्कार से दूर रहना चाहिए और दुनिया चमत्कार को नमस्कार। साधु बाबा चमत्कार को दुत्कार, तब जाके साधुता आती है। अगर साधुता पाना हो तो चमत्कार को दुत्कार देना पड़ेगा, और हमारे गुरुदेव वही करते थे, अभी भी कर रहे हैं। उस समय अपने भौतिक शरीर में करते थे, आज अनेक शरीर धारण किए हुए हैं, अनेक रूप रूप आया। विष्णवे प्रभु विष्णवे। उन्होंने अनेक रूप धारण कर लिया है। बाबा ने महासमाधि लेने से पहले कहा, बच्चा मैं अब अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रवेश करूंगा। दास ने बहुत प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने आपके बिना जीना नहीं सीखा। आप समाधि लेंगे तो मेरा क्या होगा? बाबा ने उत्तर दिया, अरे बच्चा, मैं समाधि लेने के बाद इस बंधन से मुक्त होकर, शरीर रूपी बंधन से मुक्त होकर के स्वतंत्र पूर्ण सर्वव्यापकता को प्राप्त हो जाऊंगा, और मैं तुम्हें सभी जगह मिलूंगा। बच्चा, तुम तो अभी हमें मचान पे ही देखते हो। मैंने कहा, प्रभु, वास्तविकता तो ये है कि आप मचान पे भी रहते हैं और सभी जगह हैं। आपके लिए शरीर लेना, छोड़ना, समाधि लेना, ना लेना, ये सब तो खेल है। बाबा हंसने लगे, अरे बच्चा देवदासवा, तू बड़ा चतुर है। हाँ बच्चा, मेरे लिए ये सब खेल है, परंतु संसार के लिए ये सब चमत्कार है। लीला, बाबा के लिए एक लीला है। ऐसी ही लीला बाबा ने अनेक लीला किया। कई भक्तों ने प्रश्न किया है कि बाबा वास्तव में बाघ को सदुपदेश दिए, क्या बाबा ने बाघ को जीवन दान दिया? हाँ दिया। पहले मैं वो लीला सुनाता हूँ जो बाबा के मुख से हमने सुना है। और उस समय उस स्थान पे हमारे गुरु भाई श्री निरंजन दास जी महाराज, श्री प्रहलाद दास जी महाराज, श्री रामचरित्रदास जी महाराज और रामकृष्ण देव जी महाराज, ये सभी उस समय उपलब्ध थे। बाबा ने इनको संकेत करके पूछा, कारे निरंजन, तो का याद है बच्चा, हिमालय में एक बाघ खाड़ी में गिर गया, खाई में। अब बच्चा वो बघवा के पास हम गए, अब बघवा हमको खाइस ना। सभी ने सिर हिलाया, बोले जी सरकार। और भी संत थे। बाबा ने सबको एक किस्सा सुनाया। और किस्सा क्यों सुनाया, ये कहानी क्यों सुनाया? अपनी महिमा के लिए नहीं। इसका शुरुआत यहाँ से होता है कि बच्चा, बाबा उपदेश दे रहे थे दया के ऊपर, संत कैसा होना चाहिए ये उपदेश दे रहे थे। उसी में उपदेश में हमारे पुराने गुरु भाइयों के सामने, वहीं पे गोदावरीदास जी महाराज जी थे, वो भी बहुत पुराने संत, ब्रह्मचारी जी महाराज, वो भी बहुत पुराने संत, उनके सामने बाबा ने बताया कि बच्चा, अगर तुम्हारे अंदर अहिंसा है तो हिंसक पशु, जीव जंतु भी तुम्हें नुकसान नहीं करेंगे। अहिंसा के ऊपर चर्चा चल रही है। बाबा ने बताया कि बच्चा, उस समय हम अपने शिष्य और अन्य साधुओं के साथ टोली लेकर के हिमालय में विचरण कर रहे थे। टिहरी नरेश के क्षेत्र में, टिहरी बांध आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे बहुत बड़ा किला है, वहाँ कभी राजा महाराजा रहा करते थे। उस किले के अंदर मैं उस जगह में गया, बाबा ने मुझे बताया था वो जगह। मैं उस जगह में गया और बाबा ने हमें बताया था कि बच्चा, ऐसे वहाँ नदी आती है, इतना बड़ा चट्टान है, चट्टान के नीचे गुफा जैसा बना है, आज भी वो चट्टान उपलब्ध है, आज भी वो गुफा है। और पहाड़ों में कहीं कहीं दो पर्वत के बीच में फाट होता है, जिसको पत्थर का फाट बोलते हैं। ऐसे कोई जानवर तो छोड़िए, मनुष्य अगर गिर जाए तो कई बार चढ़ने की, उसको निकलने की जगह नहीं मिलती है। ऐसे ही फाट में एक बाघ गिर गया। बाबा की यात्रा चल रही है, बाबा मार्ग से जा रहे हैं अपने साधुओं के साथ। योगी की यात्रा बड़ी सुंदर होती है, निराली होती है। योगिया रे रमते राम चले, योगिया रे रमते राम चले। पग पग डारे आ, पग पग डारे राम नाम ले, पग पग डारे राम नाम ले, देखे सब को भले। योगिया रमते राम चले, योगिया रमते राम चले। क्षुधा तृष्णा को मार के, क्षुधा तृष्णा दोनों को मार के बैठे वृक्ष तले। क्षुधा तृष्णा विषय को मार के, विषय को मार के बैठे वृक्ष तले। जोगिया रमते राम चले, जोगिया आ जोगिया 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 रमते राम चले। शक्त चक्र भेदे कुंडलिनी नृत्य करे। षट चक्र, 6 चक्र होते हैं। 6 चक्र भेदे कुंडली नृत्य करे, 6 चक्र भेदे कुंडली नृत्य करे। अनहद नाद फेरे, अनहद नाद टेरे। जोगिया रमते राम चले चले चले, योगिया रमते राम चले। दया की दृष्टि कृपा की वृष्टि, दया की दृष्टि कृपा की वृष्टि, दया की दृष्टि 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 दृष्टि, दया की दृष्टि कृपा के वृष्टि। सब मिले भले भले, कोई बुरा नहीं मिलता योगी को, क्योंकि उनके अंदर दया है, कृपा है। दया की दृष्टि कृपा की वृष्टि, क्योंकि उनके अंदर अहिंसा है। दया की दृष्टि कृपा की वृष्टि, सब मिले भले भले। रमते राम चले, योगिया रमते राम चले चले योगिया रमते राम चले। इस प्रकार से योगियों की जत्था चलती है, जमात चलती है, अकेले चलते हैं। ना दाहिने देखना है ना बाएं देखना है, देखना है तो सिर्फ अपना पाएं देखना है। ना दाहिने देखना है ना बाएं देखना है, योगी बनना है तो चलो तो अपना पाएं देखना है। प्रत्येक कदम पे राम राम राम। पृथ्वी माँ भी सोचती है, ओहो हो, ऐसे सुपुत्र को जन्म देकर मैं धन्य हो गई। योगियों की यात्रा, बाबा यात्रा कर रहे हैं। बाबा को आहट सुनाई देती है, किसी की रोने का, वो बाघ इतना थक चुका था कि वो बेचारा हुंकारना भी भूल गया, मृत्यु के कगार पे पड़ा हुआ था। बाबा ने कहा, बच्चा, आसपास में कोई जीव दुखी है, सब साधुओं ने जी सरकार आज्ञा। बच्चा जाओ, चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो कोई जीव कष्ट में है। यहाँ शेर और साधु एक जैसे होते हैं। समझ रहे हैं ना? मस्तराम जंगल का राजा है वो, और साधु पूरे पृथ्वी का राजा है। कबीर साहब ने कहा, मन लागा मेरे वो यार फकीरी में, हाथ में लोटा कांख में सोटा, तीनों लोक जगीरी में। सब अपना है, राजा महाराजा की तरह। शेर अपने जंगल में राजा की तरह, कोई टिकता नहीं उसके आगे। वो शेर ढेर हो गया। गिर गया, अब उसको चढ़ने की जगह नहीं मिली, चढ़ नहीं पाया। जब नहीं चढ़ पाया तो उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होता गया। ठीक वैसे ही जैसे संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जब उम्र चढ़ती है 25 साल तक, तो उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। 30 साल के बाद फिर ढलने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि चढ़ना ही भूल जाता है। वो सोचता है चढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ हो वहीं पड़े रहो। और पड़े पड़े सड़े सड़े सड़ जाता है, खत्म हो जाता, अस्तित्व ही नहीं रहता उसका। बाघ जिस पे माता सवारी करती है, बेचारा कराह रहा है, भूख के मारे प्यास के मारे शरीर दुबला हो रखा है। गोदावरीदास जी महाराज जी ने, संत जो साथ में थे, उन्होंने देख लिया बाघ है। बाघ में गंध होता है, मुझे पहचान है उसकी। उसके शरीर में एक गंध होता है, लोहान जैसा। वो गंध से पता चल जाएगा यहाँ आसपास में बाघ गया है, थोड़ी देर में पहले गया हो आया हो तो भी, और नहीं तो पास में होगा तो पहचान हो जाएगा। मैं भी हिमालय में बहुत रहा हूँ, और बाघों के साथ बड़ा खेल किया हमने भी। बाघ जल्दी काटता नहीं है, पकड़ता नहीं है, जब तक आप बदमाशी नहीं करेंगे। बाबा को बताया, सरकार, एक बाघ खड्डे में गिरा हुआ है, अब पता नहीं 1 महीना 2 महीना कितना दिन का गिरा हुआ था वो। बाबा तुरंत पहुँचे, अरे बच्चा, इसको निकालने का इंतज़ाम करो, तुम लोग सब प्रयत्न करो, अब इसको निकालो। साधु ने बाबू बोला, बाबा इसके पास जाएगा कौन, ये तो आप ही कर सकते हैं, आपकी ही चमत्कार कृपा हो तो ये निकल के वहाँ से आ जाए, नहीं तो उसके पास तो जाना पड़ेगा निकालने के लिए। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चा, तुम लोग सब बैठो यहाँ पे, मैं जाता हूँ उसके पास। गुरुदेव उस फाट में उतरे, धीरे धीरे उतर के उसके पास गए। देखा उसने बाबा को, प्रसन्न हुआ वो, ओह कोई जीव दिखाई दे दिया। बाबा की करुणा भरी नजर उसके नजर से मिलती है और बाघ वहीं अपना सर। बाबा गए, उसके सर पे हाथ फेरते हैं और बाबा ने उसका मुंह खोल करके अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया और सब चिल्लाने लगे ऊपर से, सरकार। जानते हैं, आज भी मुझे बाबा का वो शब्द याद है, आहा जन्म मैं व्यर्थ गवायऊँ, भूखे बाघ के काम न आयऊँ। बाबा ने उस समय जब हाथ डाला, उस बाघ ने थोड़ा भी प्रयत्न नहीं किया, उसने अपने मुंह से, जीभ से हाथ को बाहर निकाल दिया, फेंक दिया। उस समय बाबा ने ये शब्द बोला था, अह जन्म मैं व्यर्थ गवायऊँ, भूखे बाघ के काम न आयऊँ। भूखा बाघ के काम भी नहीं आ सका। फिर क्या था, बाबा ने उस समय अड़बंध पहनते थे, साधु लोग अड़बंध पहनते हैं, कमर में कसते हैं। खोला, साधुओं ने साफी खोला, लंगोटी अड़बंध खोल करके और उसको, बाघ को बांधा और बांध करके उसको ऊपर निकाल दिया। ऊपर निकलते ही बाबा ने बोला, बच्चा वो बाघ इतनी जोर से अंगड़ाई लिया ऐसे ऐंठ के, उसको लगा कि अब मुझे जीवन प्राप्त हो गया है। और वो बाघ बाबा को मिनटों तक देखता रहा। सब साधु लोग बाबा के पीछे खड़े हैं। वो बाघ, बाबा ने बताया, बच्चा ये सब साधुया खड़े हैं जो बुढ़े बुढ़े तुम्हारे सामने, ये सब तुम थे बच्चा? जी सरकार। तू भी थे? जी सरकार। बच्चवा जब तुम्हारे तरफ हो बघवा देखा तो तुम क्या सोच रहे थे? भोले सरकार, जब हम लोग के तरफ देखे तो हम लोग को ऐसे लगे कहीं सरकार ये ना बोल दें कि तू ही इसका आहार बन जा। हाँ बच्चा, तुमको याद है ये बात। बच्चा, मैंने इन साधुइयों को बोला कि अरे बच्चा, एक साधु अगर इसका आहार बन जाए तो इसका शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाए। गुरुदेव की लीला है ये। बच्चा, ये साधुइया जब हम बोले तो सब सामने देख रहे थे, जब बोले तो सब इधर उधर देखने लगे कि किसको बोल रहे हैं गुरुदेव। ये बच्चा, इस साधुया के देख कितने बड़े बड़े तोंद बढ़े हुए हैं। अगर वो बाघवा को खिला देते तो बच्चा तुम्हारा मुक्ति हो जाता और वो बाघ का पेट भर जाता। फिर क्या हुआ बच्चा? बाबा ने बताया, एक संत जी उसमें तैयार हुए। बाघ ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे जिनकी करुणा से मेरी जीवन की रक्षा हो गई है उसको मैं कैसे खाऊंगा। हिंसक पशु भी कितना दयालु होता है। भूख से तड़प रहा था वो, नहीं खाया किसी को। बाबा ने तो मुंह में हाथ डाल दिया, उसने जीभ से मुंह उगाल उगाल के बाहर निकाल दिया हाथ को। हिंसक प्राणी भी हमारे दया, कृपा, स्नेह, प्रेम को समझते हैं। अगर हम समझते हैं तो अत्यधिक समझते हैं। फिर बाबा ने जल मंगवाया, उस बाघ को जल पिलवाया। फिर बाबा वहां पे थोड़े दूर पे आसन लगाए और उस बाघ के लिए दूध आदि की व्यवस्था करवाए। फिर बाबा ने आदेश दिया उसको, जा बच्चा जंगल में जा। सवेरे तक वो ऊर्जावान हो गया, क्योंकि योगी सम्राट की दया दृष्टि हो गई थी उस पर। परम पूज्य ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट देवराहा बाबा की जय। उनकी कृपा हो गई उनके उसके ऊपर, तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और बाघ सवेरे होते ही गुरुदेव का आज्ञा लेकर के वन में चल दिया। और बाबा अपने जमात को लेकर के योगिया रमता राम चले। दया की दृष्टि संतों की, गुरुओं की, सिद्धों की। इस प्रकार से बाबा ने एक बाघ पे कृपा किया, ऐसे ही दूसरे बाघ पे भी कृपा हुआ। सुनेंगे।